It was quite a great, fantastic experience. It was more like a vacation and work. We took some leap from work. We had a few side scenes. Then we worked. We had fun. Great time. Yeah. Hmm? Yeah. So about it. Sharad, bataiye. It was only vacation. It was no work, actually. Actually, we had a great time. And I think, very rightly said, I think by Arlene. Firstly, guys, thank you so much for coming. ये हमारी फैमिली है और अब जो नई फैमिली बनती है हम जब भी साथ में काम करते हैं किसी साथ तो वो हमारी फैमिली बन जाती है राइटली यू नो सेड बाय आर्लिन की ये हमारी फैमिली जो सामने हमारी डीओपी हैं इफ यू अलाउ मी प्लीज आई वांट टू कॉल माय डीओपी जी 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 प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाय इट्स हिज फर्स्ट म्यूजिक वीडियो गाइस कमेंडेबल और जिस तरह हमने काम कराया है वेकेशन था कि काम था सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अर्लीन एंड शरद मेरे भाई आपका एंड मतलब आप लोगों ने इतना हेलो इतना बढ़िया काम किया और मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूँ एक्चुअली ये गाना बहुत ही मेरा फेवरेट जब मैं गाने के लिए आया था और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ बीशो जो म्यूजिक कंपोजर हैं उनको बुलाना चाहूँगा आइए प्लीज एंड कितना खूबसूरत आपने गाना ये बनाया है क्योंकि देखिए क्या होता है ना गाने का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि अगर ऑडियो आपको अच्छा मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो आपके इमोशंस हैं जो आपकी फीलिंग्स हैं वो बयां करना बहुत ईजी हो जाता है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए यार बहुत बढ़िया गाना है और अभी तक के जो मेरे गाने आए हैं उनमें से ये एक मेरा फेवरेट गाना बन चुका है आई स्वेयर मैं अभी बैठा था और मैं सुन रहा था ना तो मैं मतलब दो तीन जगह पर मैं बहुत इमोशनल हुआ और मतलब अंदर से मेरा रोंगटे खड़े हो गए मतलब और मेरा दिल भर कर आया अंदर से मतलब मैं सुन रहा था और एक मतलब अलग ही माहौल में आलाप्स एंड नोटिशंस मतलब आपने जिस तरीके से मुझे गवाया तो मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे थैंक यू सो मच और मुझे अर्लीन एंड शरद भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मेरे और सब गानों को प्यार मिला है लाइक तेरे वास्ते एंड वे कमलिया एंड अभी रिसेंटली डंकी का सॉन्ग मैं तेरा रास्ता देखूंगा मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने को भी उतना ही आप प्यार देंगे ना लेकिन पता है क्या मैं जब रेडियो पे गाने के लिए बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि लता जी का गाना है अगली आवाज किशोर दा की है तो आप यहाँ पे हो तो एक लाइन तो बनता है एक्चुअली आई एम फीलिंग सो डैड आपको ये बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है शोज चल रहे हैं बट कोशिश कर रहा हूं ओ मैया बैजा मेरे को वे मैया बैजा मेरे को वे मैया बैजा मेरे को वे मैया बैजा वे वैकेशन एंड वर्क वी टूक सम लीप फ्रॉम वर्क वी हैड अ फ्यू साइड सीन्स देन वी वर्क्ड वी हैड फन ग्रेट टाइम सो अबाउट इट शरद बताइए इट वाज ओनली वेकेशन इट वाज नो वर्क एक्चुअली एक्चुअली वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई थिंक वेरी राइटली सेड आई थिंक बाय आर्लिन फर्स्टली गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ये हमारी फैमिली है और अब जो नई फैमिली बनती है हम जब भी साथ में काम करते हैं किसी साथ तो वो हमारी फैमिली बन जाती है राइटली यू नो सेड बाय आर्लिन की ये हमारी फैमिली जो सामने हमारी डीओपी है If you allow me, please, I want to call my DOP. जी जी जी. Please, a round of applause for this guy. Yeah. It's his first music video, guys. Oh. He deserves a round of applause. He's so brilliant. And इस लड़के ने एक बार भी नहीं बोला बस हो गया यार थक गया यार. That's something which is commendable. और जिस तरह हमने काम कराया वेकेशन था कि काम था. दोनों था वैसे था काम हमारा था अच्छा ओके ओके नाउ आई थिंक आवाज तो मखमली आवाज इतने रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं आप कमाल के गाने लेकिन जब वीडियो देखते हैं खास करके आज का वीडियो देखते कैसा लगा सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अर्लीन एंड शरद मेरे भाई आपका
एंड मतलब आप लोगों ने इतना हेलो इतना बढ़िया काम किया और मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूँ. एक्चुअली ये गाना बहुत ही मेरा फेवरेट जब मैं गाने के लिए आया था. और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ बीशो जो म्यूजिक कंपोजर हैं, उनको बुलाना चाहूँगा, आइए प्लीज. एंड कितना खूबसूरत आपने गाना ये बनाया है. क्योंकि देखिए क्या होता है ना, गाने का बहुत बड़ा हाथ होता है. क्योंकि अगर ऑडियो आपको अच्छा मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो बयां करना बहुत इजी हो जाता है. तो एक बार जोरदार ताली हो जाए यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना है. और अभी तक के जो मेरे गाने आए हैं उनमें से ये एक मेरा फेवरेट गाना बन चुका है. आई स्वेयर मैं अभी बैठा था और मैं सुन रहा था ना, तो मैं मतलब दो तीन जगह पर मैं बहुत इमोशनल हुआ और मतलब अंदर से मेरा रोंगटे खड़े हो गए. मतलब और मेरा दिल भर कर आया अंदर से. मतलब मैं सुन रहा था और एक मतलब अलग ही माहौल में आलाप्स एंड नोटिशंस, मतलब आपने जिस तरीके से मुझे गवाया, तो मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे थैंक यू सो मच. और मुझे अरलीन एंड शरद भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मेरे और सब गानों को प्यार मिला है, लाइक तेरे वास्ते एंड वे कमलिया एंड अभी रिसेंटली डंकी का सॉन्ग मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने को भी उतना ही आप प्यार देंगे. देंगे ना? एक नंबर. लेकिन पता है क्या, मैं जब रेडियो पे गाने के लिए बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि लता जी का गाना है, अगली आवाज किशोर दा की है, तो आप यहाँ पे हो तो एक लाइन तो बनता है. एक्चुअली आई एम फीलिंग सो टायर्ड. आपको बताइए, बैक टू बैक ट्रेवल चल रहा है, शोज चल रहे हैं, बट कोशिश कर रहा हूँ. ओ मैया बैजा मेरे को, वे मैया बैजा मेरे को, वे मैया बैजा मेरे को, वे मैया बैजा मेरे को. ओह क्या बात है. शरद आप उसमें पूरा कॉफी आप लाटे तो सर्व कर ही रहे, साथ में आप रोज देते आ रहे जी. और आज लकीली रोज डे भी है, तो एक तो ही मुझे पता नहीं कोइंसिडेंस था कि क्या था, बट कैसा लगा वो एक एक्सपीरियंस, कैसा कॉफी एंड रोज का ये जो कॉम्बिनेशन था. देखिए ऐसा है कि अगर हम सबसे पूछें कॉफी एंड रोज का जो कॉम्बिनेशन है, इट ऑलवेज वर्क्स जी. और ये मैंने भी ट्राई किया बहुत बार, मतलब शादी के पहले बहुत बार ट्राई किया, बहुत वर्क. गुड, यू आई हैड टू कंप्लीट दैट. अब तो बस एक ही बार वो हमेशा वर्क करता है तो अच्छा वैसे ही रहे. बट यस आई थिंक ऑन स्क्रीन इट मोस्टली वर्क्स. और आई थिंक कॉन्सिडेंटली टुडेज रोज डे, सो आई थिंक विशिंग एवरीबडी आवर मीडिया फैमिली एंड एवरीबडी आउट हियर वेरी हैप्पी रोज डे. सो यस आई थिंक दिस जस्ट हैपेंड, हमने कुछ प्लान नहीं किया था, इट जस्ट कॉन्सिडेंटली हैपेंड कि मैं ये उस कैफेटेरिया में आती हूँ, मैं इनको रोज देता हूँ एंड यू नो आई गिव अ कॉफी एंड दिस बिकम्स लाइक डे वन डे टू डे थ्री डे फोर और उसके बाद यू नो कहानी आगे बढ़ती है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. अगर हम देखें तो म्यूजिक वीडियोस में यूजुअली ऑडियो बहुत अच्छा होता है, ऑडियो तो है ही अच्छा माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड, बट द वीडियो आल्सो हैज टू बी इक्वली गुड टू सपोर्ट इट. एंड दैट वाज द आइडिया ऑफर्ड ऑफ डीओपी, द डायरेक्टर आर्लिन, मायसेल्फ, एवरीबॉडी हैड टू पिच इन कि यार वीडियो इंटरेस्टिंग होगा तो लोग वीडियो भी देखेंगे. सो आई थिंक फॉर्चुनेटली कैसा लगा वीडियो यार, जेन्युइनली बताइए. आई थिंक मुझे बहुत लोग कह रहे हैं डायरेक्टर साहब आ ही जाइए कि इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ फिल्म सॉन्ग. आइए सर कुछ तो बोलिए आप, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम बाद में देंगे. नहीं, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम. और शरद को तो मैं पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, हम लोग की बहुत पुरानी एसोसिएशन रही है. एंड अरलीन इज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड माय ब्रदर्स फ्रेंड. तो ये ऐसा संजोग हुआ और ऐसा कुछ हुआ कि सब इकट्ठा हुए और एक अच्छी चीज़ बन गई. तो इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक जो होता है, कभी अचानक सब लोग मिलते हैं और एक मैजिक क्रिएट हो जाता है. तो इट इज जस्ट अ मैजिक. तो हम लोग हमारा मैजिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप प्लीज इन्हें सराहना और इन्हें अच्छा बनाना. इसे कहते हैं खूबसूरत इत्तफा, यू नो. बट अर्लिन आप प्रोड्यूसर भी है, आप एक्टर भी है, तो ये सवाल तो डायरेक्टर साहब से पूछना था मुझे, लेकिन आप ही बताइए कि क्या दिक्कतें आती है, मतलब क्या चैलेंजेस होते हैं एज अ प्रोड्यूसर. दिक्कत तो बहुत आती है. एज एन एक्ट्रेस इट्स कम्प्लीट डिफरेंट, अलग ही होती है. आपको सिर्फ परफॉर्म करना होता है, एक्टिंग करनी होती है बेसिकली. एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू बी लाइक एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू बी द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर, द स्पॉट भैया,
the makeup artist, khana leke aao, behan aaya ya. So you know everything, and yeah, it's quite challenging, but theek hai, I have my team supporting me, and here we are today. But wo chiffon saree wala jo tha, Yash Chopra touch, wo kiska idea? Sharad Malhotra, absolutely. यश जी को देख के आई थिंक हम सब बड़े हुए हैं उनके उनके गानों को देख के जी आई थिंक हर एक इंसान यहाँ पे वुड प्रॉब्ली एग्री टू दैट सो आई थिंक ऑल ऑफ अस द जर्म ऑब्वियसली केम फ्रॉम देयर दैट द शिफॉन साड़ीज इन फैक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू कॉल पलाश राइट नाउ पलाश कैन यू प्लीज कम अप हियर ये बहुत चुपचाप रहते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे हैं ना छुपे रुस्तम है इधर आई पलाश पलाश एक्चुअली पहले दिन से ही पलाश इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे बहुत अच्छे इन्होंने आइडियाज दिए क्रिएटिव आइडियाज दिए और आपको कैसा लगा बताइए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड कास्टिंग डायरेक्टर्स वी हैड एंड आल्सो नाउ ही इज आल्सो एन एक्टर आल्सो नाउ नहीं आई हैव बीन एन एक्टर बट नो बट नाउ नाउ बिकॉज़ मैंने बिकॉज़ अब हम दोनों साथ में हमने एक शॉर्ट फिल्म की है जो बहुत जिसको बहुत अवार्ड्स मिले तो इसलिए मैं अब मैं कह सकता हूं कि नाउ सिंस यू आर लाइक अ ग्रेट एक्टर हाउ डू यू सी दिस वीडियो आल्सो Since you've been there right from day one. Yeah, so, you know, when Arlin called me and she briefed me on the idea, so I was, she said, suggest me some names. And of course, my first name was Sharad because I have seen him work closely. I've been seeing him for so many years. Itne saalon se TV mein dekh rahe Sharad ko. But jab humne saath mein ek film ki as an actor, producer, co-actor, to us waqt mujhe aisa ehsaas hua ki Sharad mein wo saari khubiyan hai. जो एक आर्टिस्ट में होना चाहिए अच्छे इंसान तो है ही है बट क्या होता है एक अच्छे इंसान के साथ अगर आप अच्छे आर्टिस्ट भी हो वो कहीं ना कहीं सिनेमा में रिफ्लेक्ट होता है कैमरा में रिफ्लेक्ट होता है तो आई जस्ट बातों में आई सेड अर्लिन व्हाई नॉट शरद तो शी इज लाइक या आई मीन ही इज अ गुड चॉइस एंड ही इज बीन माय फेवरेट टू बिकॉज आई हैव वॉच्ड हिज शोज एंड स्टफ सो वी जस्ट कैजुअली मेट एंड एक कैफे में मिले थे एंड देन सरप्राइजिंगली व्हेन आई केम टू नो या यू नो एंड दैट कैफे इज कॉल्ड Coffee Connect, you know, we all actually connected, yeah, and it's a little non-filmy cafe. So when we met and when she bounced off the ideas, when we were actually brainstorming ki kaisa gaana hona chahiye, romantic, peppy, ye wo. Then of course Arlin had Ultimation Mind. So when his name came, I said that's like half the battle won because naam hi wazandar hai, kafi hai, and he's given. Back to back hits, and now when I hear the song, in fact, Sharad sent me the video today just 2 hours before coming, and I messaged him that this is such a haunting melody. It just grows on you. Jitna dekho, utna baar baar apko man karta hai ki dekhte raho, and then surprisingly, Sumit and Sahil are these two young boys. I've been seeing them when they were 9 years. इन्होंने मेरे थ्रू बहुत सारे एड्स किए एक जमाने में. So when Arlin told me that Sumit Sahil directed, it was like an icing on the cake. And when I saw the visuals and all that, I think Arlin ki mehnat rang lai and kudos to her because Arlin, jab Arlin aayi thi, toh mujhe laga ki Arlin kar paayegi, production handle kar paayegi. But apparently when Sumit told me that she was like a one woman army, jo bhagam daudi bhi kari thi, ye bhi kari thi, plus shots bhi de rahi thi. So I think I'm amazed, Arlin. That calls for a good producer. dash. But all the best, Altamash and you, composer. I mean, I think it's an amazing, really grows on you, the song. It's such a beautiful melody. And the Aalap which Altamash sang, oof, baapre. Because Aalap ko, I remember Shankar Mahadevan of Mithila. Unhone jo Aalap gaya tha, I think amazing. And congratulations to all the entire team. And hope it wins and wins many more accolades and hearts of all the people. Because as He rightly pointed out today's Rose Day and of course Valentine's Day is just coming up. So I hope it touches millions and millions of views. All the very best. 100% views are very important. Right for everybody. I have a very good espresso machine and I really enjoy my coffee. But I think apart from that, I think Coffee Connect is a very nice place. Jahan sab connect hue the. Bahut sahi jagah hai yaar. I think coffee and I think conversations to matlab. Kyubisho, aap kuch bolye yaar. Aap to itne kamal ke aapne music diya hai. To say I'm just grateful for this moment grateful to Arlin for putting up such an amazing job an amazing video grateful to Altamash ji your voice is like I'm such a big fan of your voice and aapne jo jaan dala hai it's all for everyone to see so it's sounding so amazing
and Sharad sir er byapare ki bolbo bangali so yeah the evergreen Sharad Malhotra I really consider myself to be grateful you know so that's the thing which and the entire team has done such an amazing job with the video it's excellent it's so amazing और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया पलाश भाई और ब्रदर मतलब जो हमारे डायरेक्टर हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार बहुत अच्छा एंड शरद भाई बिग फैन ऑफ यू यार मैं आपके सीरियल्स देखता था और मुझे बहुत पसंद आते मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है आप लोग भी देखते होंगे ऑफकोर्स तो देखो एंड अर्लिन गुड जॉब यार और आपने वाकई इतनी मेहनत की है जैसे अभी बात हो रही थी कि मतलब इतना सीरियस चीजों को लेना खुद हैंडल करना तो यार मतलब ग्रेट और हमारी कितना टाइम से बात चल रही थी मैंने कहा चलो यार करते हैं एंड फाइनली हमने गाना रिकॉर्ड किया और गाना इतना खूबसूरत और मुझे पूरी उम्मीद है कि गाना इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा लोगों को बहुत प्यार मिलने Thank you so much and thank you entire team. Love you all. Single. Anyone wants to take me out? DM please. He wants to go out. You want to go out? Coffee connect? No, yeah. Somewhere else. Yeah. I'm very, very single right now. So no plans. Maybe I'll fly out of town and maybe... Take me to Baku. Take me to Baku. Chalo, chalo. Yeah, you're on? Chalo, chalo. Take a date pe. I'm game. What's Sharad? Your plan, Palash, Mr. Palash? No. I've never, ever, ever celebrated Valentine. 51 years, never, ever. I said, any takers? Any takers? Any takers? Single? Team single? Yeah. So, Sahil, sorry. Yeah, you're not. Nothing special. And my show is going to Qatar. My concert is. So, let's see. अगर कोई मिल गया तो है ना भाई क्या बोलेंगे नहीं भाई मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कोई मिल गया नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ यार ऐसा कुछ नहीं है नहीं आप बोल सकते हैं मैं नहीं बोल सकता हूँ बट यस आई थिंक मोस्टली आई थिंक पता नहीं कुछ प्लान नहीं है बट इनके शूट नहीं कर रहे होंगे तो डिनर विनर आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे आउट नाइस डिनर एंड प्रोबब्ली जस्ट गुड ड्राइव एंड लिसनिंग टू बहुत गंदा वाला मजा आ रहा है जॉब इजी नहीं था बिल्कुल भी जब मैंने शुरू किया था इट वॉज लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी कि कैसे होगा कैसे आएगा प्रोडक्ट क्या होगा नहीं होगा बट देन आई मेट देम माय टीम एंड दे मेड माय जॉब इजी लाइक मच इजियर एंड नाउ हियर वी आर विद द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग फीलिंग वो मोर वेल वेरी हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी शरद यू आर द आइसिंग ऑन द केक नहीं आई थिंक वी आर ऑल जस्ट द आइसिंग द चेरी ऑन द आइसिंग इज दिस मैन आउट हियर I think everybody knows him that he's the voice behind this amazing, amazing track. Altamash Bhai, I think... Sab log kon kon samosa kha raha hai, kon kon kya kha raha hai, bata do yaar. Main bhi aata hu samosa khane, mujhe bahut man kar raha hai samosa khane ka. Aage hain? Can I please have some silence here? I think the idea is that It's been पूरा जो इसका श्रेय है पूरा क्रेडिट आई थिंक आर्लिन को जाता है बिकॉज जब पहली बार वो आई और उसने कहा कि शी वॉन्ट्स टू डू अ म्यूजिक वीडियो एंड तो उस टाइम लगा यार ठीक है बहुत लोग मिलते हैं जो बनाना चाहते हैं बट उसके बाद जो सीरियसनेस थी आर्लिन की यू नो गेटिंग द डायरेक्टर ऑन बोर्ड द DOP देन ऑब्वियसली हमने ट्रैक डिसाइड किया कि ट्रैक कैसा कौन सा जॉनर होना चाहिए रोमांटिक हो या थोड़ा आइटम गाना हो तो फिर उसके बाद पेपी गाना हो बट आई थिंक फाइनली ये गाना जो है पता नहीं ये गाना पहली बार जब सुना एंड आई थिंक थैंक्स टू बीशो
जो हमारे जिसने म्यूजिक कंपोज किया है, ब्रिलियंटली कंपोज्ड. यू नो, सब कुछ होने के बाद, शूट होने के बाद, फिर कहाँ जाना था, बहुत सारे आई थिंक हमारे पास लोकेशन के ऑप्शन थे, फ्रॉम लद्दाख टू लंदन टू नाइजीरिया टू स्विट्जरलैंड, जयपुर, मड आइलैंड भी था. लेकिन थैंकफुली कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम सीधे बाकू गए, अज़रबैजान. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई थिंक वहाँ के लोग, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक. फिर आने के बाद आई थिंक अर्लिन ने मुझे एक और, इनफैक्ट हम सबको बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, दैट गेटिंग अल्तमश भाई ऑन बोर्ड, यू नो, विद हिज वोकल्स. ऑब्वियसली सब कुछ इतना ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, यू नो, चीज़ें और ज़्यादा इतनी अच्छी लगने लग जाती हैं जब वीडियो इतना स्ट्रॉन्ग हो और ऑडियो इतना स्ट्रॉन्ग हो. तो जाहिर सी बात है यार, लोगों को अच्छा लगना चाहिए. अब हम लोग क्या करें, और वीडियो में इतनी मेहनत कर दी, ऑडियो में इतनी मेहनत कर दी है, अब दिस इज नाउ ये आप लोगों के पास है. तो प्लीज़, ये जो मेरी फैमिली है, मीडिया फैमिली है, जितने फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, आपके भी, इनके अब होने वाले हैं, जितने भी हैं, मेरे जितने भी हैं, प्लीज़ 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 वॉच द सॉन्ग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए माय न्यू लेबल ओमकार रिकॉर्ड्स. एग्जैक्टली, इनके इनका इनका लेबल, इनके लेबल का भी लॉन्च है आज, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड होपिंग कि अब ये बहुत अच्छे अच्छे गाने और म्यूजिक लेकर आए, एल्बम्स, अच्छे सिंगर्स, अमेजिंग सिंगर्स, अमेजिंग एक्टर्स, अमेजिंग डायरेक्टर्स, अमेजिंग डीओपीज के साथ. आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं. आज आपका लेवल भी लॉन्च हो गया है और हमारा गाना भी लॉन्च हो गया, और ऑफकोर्स गाना बहुत खूबसूरत है जी, बहुत अच्छा कंपोज किया है बिशोय ने, ऑफकोर्स डेफिनेटली. और क्या होता ना, देखिए गाने तो हम बहुत गाते हैं, बट कुछ गाने ऐसे बन जाते हैं कि जो लाइफ टाइम चलते हैं जी. और मुझे उम्मीद है पूरा कि इंशाल्लाह ये गाना हमारा बहुत हिट होगा और बहुत पसंद करेंगे जनता इस गाने को, जैसे कि और गाने को प्यार दिया, इस गाने को इतना ही प्यार. डेफिनेटली ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है, और ये गाना अलग जोन का है एक्चुअली. इसमें जो एक सूफीनेस है, सूफी फील है, वो टच करती है एकदम हमारी रूह को. और अभी मैं अंदर जब गाना सुन रहा था, देख रहा था, वीडियो इतना खूबसूरत बना है, तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. और मुझे वो डे है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को इस गाने को लेकर के? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे और गानों को आपने प्यार दिया, बाकी जब सॉन्ग को आपने प्यार दिया, इस गाने को भी उतना ही प्यार दें आप. जैसे तेरे वास्ते एंड वे कम लिया एंड मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मुझे उम्मीद है इस गाने को भी आप उतना ही प्यार देंगे, देंगे ना? लव यू लॉट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. Azerbaijan Baku while shooting. Yeah, but nothing such to share. Like, it's all together, it's all fun. I think देखिए ऐसा है कि आउटडोर, जब भी हम कहते हैं कि आउटडोर में जा रहे हैं, तो इट्स लॉट ऑफ फन. आउटडोर का माहौल जो होता है पूरा चेंज हो जाता है. जब भी आप मुंबई से बाहर जाते हैं, तो थोड़ी एक हल्की सी लोगों में एक थोड़ी ईजनेस आ जाती है, थोड़े लोग और थोड़े चिल्ड आउट हो जाते हैं, लेकिन कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड कि आपको काम करना है. दिस वॉज मोर ऑल्सो लाइक वेकेशन कम वर्क. बहुत मजा आया. या आई थिंक एक्चुअली मतलब हंसते खेलते हमने शूट कर लिया, और सरप्राइजिंगली आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा दिख रहा है गाना. मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि इट्स लुकिंग लाइक अ फिल्म सॉन्ग, कि एक फिल्म का गाना लग रहा है, कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. आई थिंक गाना चले, ज़्यादा चले, कम चले, वो तो इट्स आवर डेस्टिनी, बट द सॉन्ग इज लुकिंग वेरी गुड. सो आई थिंक उसके पीछे की मेहनत जो है, वो मैं सच कहूँ तो हंसते खेलते हमने मेहनत कर ली. और ये गाना, मैं लेट मी टेल यू, गाना एक दिन में शूट हुआ है, ये एक दिन में पूरा गाना शूट हुआ है. तो उसके एक दिन के पहले की जो मेहनत थी, वो कुछ हफ्ते 10 दिन की थी, जो शॉर्ट डिवीजन वगैरह किया उन्होंने सब ने, हमारे जो डायरेक्टर वगैरह सब ने, तो उसके पहले की जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा थी, बट गाना एक दिन में शूट हुआ है, विच इज अगेन आई थिंक ग्रेट. पैसा बहुत बचाया हमने प्रोड्यूसर का जी. It was very nice directing, of course directing this music video. और actually जैसे शरद ने कहा, हम लोग more ऐसा था कि हम लोग more like it was like कि हम लोग मस्ती करने गए थे, और मस्ती मस्ती में एक अच्छी चीज़ बन गई. Correct. तो
और एक्चुअली हम लोग ने सोचा भी नहीं था, जैसे हम लोग जो एटीट्यूड से हम लोग ने वहाँ पे काम किया था और जो मस्ती कर रहे थे, हम लोग को लगा था कि कुछ अच्छा बन जाएगा, पर इतना अच्छा बन जाएगा वो हम लोग ने नहीं सोचा था। तो बहुत ही अच्छा बन गया और बहुत ही अच्छा, एक्चुअली बोलते हैं ना कि जब सब पॉजिटिव लोग एक साथ मिलते हैं तो कुछ बन जाती है अच्छी चीज़। तो ये वही है कि एक अच्छी चीज़ बन गई और मैं मेरे न्यू जनरेशन और जितने भी न्यू इन्फ्लुएंसर्स और सब लोग को बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अगर 14 फरवरी को प्लान कर रहे हो किसी को भी प्रपोज करने के लिए तो ये गाना सुनाते सुनाते प्रपोज करना, आपको हाँ आंसर आएगा। क्या बात है, अगर नहीं आया तो इनको फोन कर दीजिए, नहीं आया तो मुझे फोन करना, मैं उसे कन्विंस करूंगा। Why have you called this song Love and Latte? Ah, that's a good question. Very nice. So why Love and Latte? Because if you look at the video, yeah, it's all about love and latte, like coffee latte. I think, yeah, that's the answer. I think it's quite obvious ki he's trying to give her a rose and coffee. Yeah. Every day he was serving coffee to her. So I think it's very very catchy name, Love and Latte. Getting me coffee. This was her idea, I think, when she said that let's do Love and Latte. It's a catchy name. It's a very cool today's gen kind of feel. Yeah, Love and Latte. Love and Latte. Can you ask people to watch Love and Latte? Yes. So watch Love and Latte in Omkar Records. Like, comment, share as much as possible. Subscribe also, yes. Please, guys. Yes. Say for me. All your fans, and then we go. Subscribe my channel, Omkar Records. Please. I think jitne bhi fans hain, I think mere Altamash bhai ke inke hone wale hain. Inki channel launch ho gaya hai. Bilkul. Badhiya badhiya gaane aapko. Acha. Yeah, we will do the rap. Hone wala hai. Unwrapping. Of course, dekhi itna khoobsurat gaana aa gaya already, aur bahut pasand किया जा रहा है। मैं माया बजावे बजा मेरे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। टुडे द लॉन्च ऑफ लव एंड लाते, हाउ डू यू फील सर? द फीलिंग्स हैव काइंड ऑफ एक्चुअली इट्स अ फीलिंग वेयर दैट ऑल द हार्ड वर्क दैट यू पुट इन एंड एवरीथिंग, व्हेन यू गेट टू सी योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई थिंक जब इतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के पहले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, देन फाइनली आफ्टर कंसीव आफ्टर ऑल द पुटिंग ऑल द आइडियाज़ टुगेदर एंड देन फाइनली शूटिंग इट एंड देन व्हेन यू सी द फाइनल प्रोडक्ट विद एवरीबॉडी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग। I was very nervous in the beginning. I didn't know how to do it, what to do, and what's gonna come out. But after I saw the entire thing, after putting all the effort, hard work, everything, I'm feeling quite great. And it's surreal. Yeah, you said it right. Yeah. How did you guys come to do this song, Love and Latte? How it was? I think we had a few options in music, and then we all sat together, the entire team, and then I think we all liked this one particularly, right? That's how it happened. Mm. Yeah. And why the name? Name. So if you look at the storyline, it revolves around love. Of course, love is there. And latte. And latte. Like, he is the guy who gives me latte, and I'm the one. It's a quite catchy name also. And yeah, Love and Latte. Is it easy to get to a woman's heart through her stomach? Depends. Actually. Sorry. No, it's okay. I think it depends on women to women. For me, maybe no. But I don't know about other girls. No. Yeah, this is usually a way to a man's heart is through his stomach. Because usually men like to eat like gluts they like to eat. But yes, I think... I think why not? Yeah, it's always nice to try, and it's always nice to cook a nice meal for your woman.
But you this time got it through just a coffee. But so this time it was luckily just the coffee which made which did the trick, and I think ek coffee mein coffee kafi thi inke dil ko jeetne mein. Yes. Real life mein kya option tha aapka? Ji. Option tha kis cheez ke baare mein? I wanted to know what made him work. What worked for him? Suddenly there was no coffee. There was no coffee. Sunil Atherton, Cafe Connect. Come on, don't lie. We all did. Yeah, I think. Me and Palash, we did. That's the question. Yeah, I wanted to know in real life. In real life, you're asking. Yeah. No, you're talking about like my side of. Acha. She's talking about my side of life. How? Correct. In real life, how did he actually? Real life, like I got you lattes. I mean, we got you lattes to convince you to work. Nahin, how did he convince his wife? Correct. Your wife, correct, okay. Correct. My bad. Sorry. So I think it was not. I don't think it was coffee. There was just plain simple heart. I think that was important. No show off, no extra fancy things. Just simple, from the heart to the heart. Yes. What do you think you want to tell people this Valentine's, both of you, on what will work more than love and latte? What else can work this Valentine if you want to say I think something? For us right now it's only love and latte that will work. I don't think anything else would work. At least for the next 15-20 days. Maybe, yeah. For this month it's only love and latte. Nothing else. Love and lots of latte. Same. you want to hum two lines. Nee, I think you got the wrong guy. I can't do that. We should do that. We should do that. Please. No. Producer, come actor, come singer. We should. No. Yeah, listen. Altamash is brilliant. My God. Yeah. Actually, I should. Yeah, I think. Come on. We can. Just line, then we can catch to the video from there. क्या था? बता जरा थोड़ा मुझे. End का बता. End का जो था. I'm not a singer, yeah. Don't judge me. But. Beja mere ko. Oh my God. Beja mere ko. I think. Enough. Thank you. Other singer.